बढ़ती महंगाई को लेकर शनिवार को बीकापुर तहसील क्षेत्र में अनोखा विरोध सामने आया है, जिसे लेकर क्षेत्र में काफी चर्चा रही। सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने सब्जियों की आरती उतारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आचमन भेजा। उन्होंने भरतकुंड पर एक दुकान पर सब्जियों की नजर उतारी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, जनता को केवल महंगाई के हंटर से मारने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज सब्जियों और खाद्य पदार्थों की बेतहाशा मूल्य वृद्धि बढ़ाकर गरीबों का निवाला छीनने का काम कर रही है, इसलिए आज विरोध स्वरूप उन्होंने सब्जियों की आरती उतारकर लोगों की बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश के प्रधानमंत्री को यह पता नहीं है कि परिवार क्या होता है और उसका पालन पोषण कैसे किया जाता है। उन्होंने कहा कि मेहनत मजदूरी करके इसी तरह से परिवार का खर्च चलाने वाले लोगों पर महंगाई का बोझ सरकार बढ़ाती जा रही है, वहीं लोग उनके इस विरोध को लेकर हैरान हैं। तथा खाद्य पदार्थों की बेतहाशा मूल्य वृद्धि को लेकर आज हमने सबकी दुकान पर सब्जियों की आरती उतार कर आज देश के प्रधानमंत्री को भेजने का काम किया। आज जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, केवल महंगाई के हक से गरीब जनता को मारने का काम कर रही है। आज गरीबों की महंगाई बढ़ाकर कमर तोड़ी जा रही है। हर चीज, कोई ऐसी वस्तु नहीं बची हुई है जिसपे महंगाई का हथौड़ा प्रधानमंत्री का न चला हुआ हो। आज हम यही मांग करते हैं कि भाजपा सरकार जल्द से जल्द महंगाई पर नियंत्रण करने का काम करे, नहीं तो यही 2024 के चुनाव में यही हमारे देश तथा उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को दमादोज करने का काम करेगी। दिव्यांग